एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम पेरिमीटर और एरियाज दोनों के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे ना, आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। ऑफकोर्स आपको बाकी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो यहां पे ये बोलता है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ लॉन इज 3:5। ओके, तो अगर मैं ऐसे रखूं, एक लॉन है, लेंथ एंड ब्रेथ, वैसे आइडियली लेंथ ब्रेथ से बड़ी होती है, तो 3:5 नहीं होना चाहिए, 5:3 होना चाहिए। बट अभी क्वेश्चन ऐसा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि उसकी लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो जो है वो 3:5 है। ओके, अभी बोलता है इट कॉस्ट ₹30 to ₹100 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ ₹2 अ मीटर। अब इसमें आपको पता होना चाहिए फेंस क्या होता है। फेंस होता है बेसिकली इसका बाउंड्री, और बाउंड्री किस चीज से रिप्रेजेंट होती है, वो होती है पेरीमीटर से। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:5 है, तो अगर हमारा लेंथ 3x है तो ब्रेथ 5x हो जाएगा। अगेन ध्यान रखना, बिकॉज यहां पे लेंथ ही तो ब्रेथ है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको फिर भी इसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा पेरीमीटर कितना होगा, अगर ये 3x हो गया और ये 5x हो गया, तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 3x प्लस 5x, इसको पूरा घुमाते हैं, प्लस 3x प्लस 5x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 16x के बराबर। अब ये बोल रहा है कि अगर हम पूरा इसका फेंसिंग करें, मतलब यहां पे एक बाउंड्री वॉल बनाए, तो बाउंड्री वॉल की अगर ₹2 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट जाती है 3200। तो 16x × 2 विल बी 3200। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 100। ओके, अब हमें x मिल गया है, तो इससे अब हमें क्या मिल सकता है, अब हमें हमारा लेंथ मिल जाएगा। लेंथ इज 3 × 100 विच इज 3x है, 300 हो गया, एंड ब्रेथ इज 5 × 100, 500 हो गया। ओके, तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब ये बोलता है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉन एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। अब ये है जो कि अब आपको देखो यहां पे एरिया का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आपका बोल रहा है कि ₹10 पर स्क्वायर मीटर अगर कॉस्ट है, तो टोटल उसकी कितनी आपकी कॉस्ट जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो हमारा एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इस केस में कितना हो जाएगा, 500 × 300, और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो वो कितना है, 10 पर स्क्वायर मीटर है, टोटल स्क्वायर मीटर इतना है, तो ये हो जाएगा 10 × 500 × 300, एंड दिस इज 15, 1, 2, 3, 4, 5, आपके देखो 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा ₹15 लाख। तो सिंपल था ये, आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको फॉलो करते जाना है। और अगर एक बार आपने प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ लिया, तो आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, आपको पता होना चाहिए फेंस क्या चीज होती है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए एरिया कैसे निकालते हैं, और यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखो। अब यहाँ पे हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ी यूनिट्स को एक्स्ट्रा केयर देने की, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर ये 2 अ पर मीटर दिया हुआ है, तो आपका जो लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर्स में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मीटर में कॉस्ट दिया हुआ है, तो सब यूनिट्स यूनिफॉर्म थे, तो अभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट सपोज यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता, तो फिर आपको मेक श्योर करना पड़ता कि वो सब चीजें मीटर में आए या सेंटीमीटर में ले जाए, तब आप आंसर निकाल लें। तो विल स्टॉप हियर, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड यस, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।